तो आज इस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई है, तो हो सकता है आपने इस मूवी को पहले से देख रखा हो। पर जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा या फिर जिन लोगों ने देख रखा है उनको भी इस मूवी के अंदर मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि शायद तुमको नहीं मालूम होगी। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं इस मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है एक गांव से जहां पर ये सभी लोग किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। अब यहां पर जितने भी लोग थे सबके चेहरे पर खुशी थी क्योंकि जिस इंसान का वो वेट कर रहे थे वो इंसान बहुत ही ज्यादा फेमस था और उस इंसान का नाम था अमर सिंह चमकीला। अमर सिंह चमकीला जो कि एक काफी फेमस सिंगर थे। अब इस मूवी से हटकर मैं आपको बता दूं कि अमर सिंह चमकीला जो कि रियलिटी में काफी बड़े सिंगर थे पंजाब के, उन्हीं के ऊपर ये मूवी है। तब यहाँ पर अमर सिंह चमकीला अपनी वाइफ के साथ आते हैं, वो भी उनके साथ गाना गाया करती थी। पर जैसे ही चमकीला अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर आते हैं कुछ लोग यहाँ पर आकर उनकी वाइफ और उनको और साथ ही साथ उनके एक और साथी को गोली मार देते हैं। तो ये घटना हुई थी सन 1988 में। अब हम लोग जानेंगे रीजन कि क्यों पंजाब के इस काफी ज्यादा फेमस सिंगर को जितने लोग प्यार करते थे वही दूसरी तरफ कई लोग इनसे नफरत भी किया करते थे, जिसका रीजन था उनके अश्लील गाने। तो बात दरअसल ऐसी है कि अगर आप कोई गरीब सोसाइटी में रहते हो जैसे कि मैं भी रहता हूँ जहाँ पर काफी स्ट्रगल है लोगों के जीवन में, तो हम सभी को मालूम कि काफी ज्यादा गाली गलौज या फिर ऐसी बातें होती हैं जो कि 18 प्लस होती है। तुम लोगों को ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो बिल्कुल ही गाली नहीं देता या उसने कभी अपने जीवन में गाली दी ही नहीं या कोई गलत बात नहीं करी। तो ऐसे ही लोगों के बीच में चमकीला पड़ा बड़ा था। उसने छोटे में ही देख लिया था कि यहाँ पर काफी अफेयर चल रहा है, कोई किसी की बीबी के साथ आंदो जानदो कर रहा, कोई किसी की वाइफ के साथ आंदो जानदो कर रहा, हर समय आंदो जानदो की बात हो रही है उसके आसपास, महिलाएं भी आंदो जानदो वाले गाने गाती है जब कोई प्रोग्राम होता है। तो ये सब चीज उसने बचपन में ही देख ली थी। अब चमकीला की मौत की खबर सुनकर काफी लोग निराश थे, काफी लोग खुश थे और ये आदमी थोड़ा उदास था, पर साथ ही साथ वो चमकीला से गुस्सा भी था। ये दरअसल चमकीला का दोस्त था पहले का। अब चमकीला के कुछ घर वाले और कुछ चेहरे यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर चमकीला के साथ ही पुलिस का सपोर्ट मांगते हैं, पर पुलिस वाले भी यहाँ पर चमकीला से गुस्सा थे। कहते हैं मैंने कहा था चमकीला को ऐसे गाने गाने के लिए। दरअसल बात ऐसी थी कि जो चमकीला थे वो अपने गानों में थोड़ी 18 प्लस वाली बातें किया करते थे जिससे कि कई लोगों को उनके गाने काफी पसंद आया करते थे, पर वहीं दूसरी साइड कई लोगों को वो गाने काफी वल्गर लगा करते थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हमको फिर से वही आदमी दिखाया जाता है। इस आदमी का नाम होता है टिक्की। टिक्की नशे की हालत में कहता है भाई कौन चमकीला, वही ना जिसको मैंने बनाया था, तुम्हारा चमकीला फैक्ट्री में मुझे बनाया करता था, मैं उसको यहाँ तक लेकर आया और सारे ने मेरे को ही धोखा दे दिया। और अब टिक्की सुनाएगा चमकीला की कहानी। तो सन 1977 जब पहली बार टिक्की की मुलाकात चमकीला से हुई थी जो कि अभी चमकीला नहीं था जिसका नाम था सिर्फ अमर सिंह। तो अमर सिंह यहाँ पर आकर टिक्की से रिक्वेस्ट करता है कि आप बहुत अच्छी ढोलक बजाते हो और मुझको भी गाने का शौक है, तो क्या आप अपने उस्ताद से बात करोगे, मैं गाने भी लिखता हूँ, मैं उनके लिए भी लिख सकता हूँ। पर टिक्की कहता है अबे मैं क्या करूँ उसमें, कहीं और जाके अपनी ऐसी तैसी करा, मेरे पीछे पीछे मत आ। पर अमर सिंह यहाँ पर टिक्की को काफी ज्यादा कन्विंस करता है और टिक्की आखिरकार मान जाता है और उस्ताद का नाम होता है जितेंद्र चिंदा। और यहाँ पर अमर सिंह जितेंद्र को अपना गाना सुनाता है और जितेंद्र को अमर का गाना काफी ज्यादा पसंद आता है और कहता है टिक्की कहाँ से इसको पकड़ के लाया, बंदे में दम तो है। तब यहाँ से शुरू हो जाती है अमर की जर्नी जहाँ पर वो एज अ घोस्ट राइटर जितेंद्र के गाने लिखा करता था जिसके लिए उसको कुछ पैसे मिल जाया करते थे और जितेंद्र भी काफी खुश था। पर तभी एक दिन इनका एक जगह पर एक प्रोग्राम था। अब इन प्रोग्राम्स को ना ये लोग अखाड़ा बोलते हैं, यानी कि कहीं पर भी अगर गाना बजाना होता है तो उसको कहा जाता है अखाड़ा। तो आज जितेंद्र का एक अखाड़ा था, पर जितेंद्र यहाँ पर काफी ज्यादा लेट हो चुका था और पब्लिक यहाँ पर कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी और अब समझ में नहीं आ रहा था कि पब्लिक को कौन कंट्रोल करेगा। तब यहाँ पर जो टिक्की था वो यहाँ पर अखाड़े के ऑर्गेनाइजर से कहता है कि अमर गाएगा गाना क्योंकि यही वो बंदा है जो कि जितेंद्र के गाने लिखता है। पर यहाँ पर ये लेडीज सिंगर कहती है कि मैं इसके साथ नहीं गाऊंगी, ये कल का आया हुआ लौंडा, मैं इसके साथ क्यों गाऊं, जिंदा को बुलाओ, जिंदा यानी कि जितेंद्र। अब अमर ने कहा था कि मेरा नाम बोलना अमर सिंह रंगीला, पर यहाँ पर ये लोग लिख देते हैं चमकीला और यही से अमर सिंह का नाम पड़ जाता है अमर सिंह चमकीला। और अब इस पूरी मूवी के अंदर हम इसको बुलाएंगे चमकीला। तो अब चमकीला को वो मौका मिल चुका था जिसको हम लोग कहते हैं गोल्डन चांस, और इस गोल्डन चांस को हमारा चमकीला काफी अच्छी तरीके से पकड़ता है। वो यहाँ पर सबके सामने समा बांध देता है, तभी यहाँ पर जिंदा आ जाता है। पर अब लोगों को कौन चाहिए, चमकीला। और अगले दिन जो वही औरत थी जो कि चमकीला के साथ गाने के लिए मना कर रही थी, उसका दलाल टिक्की और चमकीला को अपने पास बुलाता है और एक बुरी खबर देता है कि जो तेरा जिंदा था वो कनाडा जा चुका है। और इस बात को सुनकर सबसे ज्यादा दुख होता है टिक्की को। दरअसल जिंदा ने टिक्की को प्रॉमिस किया था कि वो जब भी कनाडा जाएगा वो उसको
साथ में लेकर जाएगा। और अब टिक्की का सबसे बड़ा दुश्मन था जिंदा। पर तभी दलाल कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोगों के लिए अखाड़े ढूंढूंगा और तू और चमकीला दोनों साथ में गाना गाएंगे और हम लोग खूब पैसा कमाएंगे। और अब हो जाती है चमकीला की जर्नी स्टार्ट। अब चमकीला जो भी गाने लिख रहा था वो हिट पर हिट जा रहे थे। चमकीला बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका था, हद से ज्यादा। पर इस चमकीला की कहानी को अब रोक कर हम लोग फिर से प्रेजेंट की कहानी पर जाएंगे, जहाँ पर चमकीला के घर में उसकी लाश होती है कि तभी यहाँ पर आती है पुलिस। और यहाँ पर DSP भी होता है, जो कि ऐसा लग रहा था कि वो चमकीला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। और अब बची हुई कहानी ये आदमी सुनाता है। अब जब चमकीला काफी ज्यादा फेमस हो चुका था तो काफी पैसा कमा रहा था, चमकीला नहीं वही दलाल। और टिक्की चमकीला से कहता है, अभी तू क्या पागल है, वो तेरे हक के पैसे हैं और तू उसके पास जा और अपने सारे पैसे वापस मांग। और टिक्की और चमकीला के इस आदमी के साथ बहस हो जाती है। अब इस आदमी का ईगो ना बहुत ही ज्यादा ऊपर था, इसको ऐसा लग रहा था कि चमकीला को ना उसी ने बनाया, तो वो जितने पैसे उसको दे रहा है वो बहुत है, उससे एक भी फूटी कौड़ी वो उसको ज्यादा नहीं देगा। पर ये बात चमकीला को काफी ज्यादा बुरी लग जाती है और चमकीला कहता है कि तू अपनी नौकरी अपने नितंब के अंदर डाल ले, अब मैं खुद ही अपना काम स्टार्ट करूंगा। अब चमकीला अपना बोर्ड लगाकर यहाँ पर बैठ जाता है। और अब कुछ दिनों बाद चमकीला के पास उसका पहला काम आता है और ये पहला काम उसका काफी चल जाता है। और फिर उसके बाद चमकीला के पास इतने काम आते हैं कि चमकीला को ये बात उसको समझ में आ जाती है कि जो भी उसने गाने लिखे हैं उसको आगे भी वैसे ही गाने लिखना है। पर चमकीले के गाने में दो लोगों की कहानी हुआ करती थी, एक लड़की और एक लड़का। पर वो जिन भी लड़कियों के साथ काम किया करता था ना, उनके साथ उसका झगड़ा हो जाया करता था, क्योंकि चमकीला जिस तरीके के सुर लगाया करता था वो लड़कियां उस तरीके के सुर नहीं लगा पाती थी। और चमकीला को अब एक नई सिंगर की जरूरत थी कि तभी एक बाप अपनी बेटी को लेकर आया। इस लड़की का नाम था अमरजोत और अमरजोत का बाप बहुत ही ज्यादा लालची इंसान था। पर चमकीला यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसको यहाँ पर एक लेडी सिंगर की काफी ज्यादा जरूरत थी, उसके काफी अखाड़े पेंडिंग में डले हुए थे। पर खैर, अमरजोत के साथ चमकीला का बहुत ही बढ़िया तालमेल बैठ रहा था और इनको काफी सारे अखाड़े मिलने लगे, यहाँ तक कि इनका गाना भी रिकॉर्ड होने लगा और इनके गानों की कैसेटें थड़ाथड़ बिकने लगी। यानी कि अब चमकीला और अमरजोत काफी ज्यादा फेमस हो चुके थे, इंडिया ही नहीं विदेश में भी इनके बारे में बातचीत हो रही थी और कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करने लगे थे। और जब दोनों की ही पसंद बढ़ जाती है तब इनकी आंदो जानदो करने की इच्छा कर जाती है कि तभी एक दिन ऐसा आता है जब अमरजोत के पिताजी कहते हैं कि अब तू चमकीला के साथ गाना नहीं गाएगी। और अब अमरजोत को रोकने के लिए चमकीला उससे शादी कर लेता है, क्योंकि इन दोनों की ही जोड़ी टॉप थी। पर तभी हमको चमकीले का एक और सीक्रेट मालूम चलता है कि चमकीला पहले से ही शादीशुदा था, उसके पिताजी ने उसकी कम उम्र में ही शादी करा दी थी। और वो यहाँ पंचायत में सबके सामने कहता है कि मैं अपनी बीबी को हर महीने 5,000 रुपए दूंगा। और उस समय के 5,000 रुपए बहुत ज्यादा हुआ करते थे। अब चमकीला की जिंदगी में कोई भी टेंशन नहीं थी, बस चमकीला दिन प्रतिदिन फेमस पे फेमस होता जा रहा था। हर गांव का बच्चा बच्चा उसके बारे में जानता था। और जब एक समय आया था जब पंजाब में दंगे हुए थे, उस समय भी चमकीला के गाने बहुत चलते थे, क्योंकि लोग ऑलरेडी बहुत दुखी थे अपनी जिंदगी में और ऐसे में उनको राहत दिया करता था चमकीला। पर चमकीला जो गाने गाया करता था उन गाने के लिरिक्स कुछ लोगों को पसंद नहीं आते थे, कुछ न्यूज चैनल वाले भी उनके बारे में उल्टा सीधा छापते थे। और अमरजोत के परिवार वालों से कई लोग कहते हैं कि तुम समझाओ चमकीले को, ऐसे गाने ना गाया करे, वो जो भी चीजें करता है ना वो हमारे धर्म के खिलाफ है। चमकीले को ये सब बातें मालूम तो थी, पर चमकीला इन बातों को इतना सीरियस नहीं ले रहा था कि तभी चमकीले को अब जान से मारने की धमकी तक आने लगी थी। और अब चमकीला अपनी जान बचाने के लिए धर्मगुरुओं के पास जाता है, जहाँ पर ये धर्मगुरु कहते हैं कि देख चमकीला, तू आज के बाद से ऐसा कोई भी गाना नहीं बनाएगा जिसमें अश्लीलता हो। और चमकीला कहता है ठीक है। और अब चमकीला शुरू कर देता है धार्मिक गाने बनाना। और चमकीला के धार्मिक गाने भी बहुत ज्यादा फेमस हो रहे थे, उसकी एक कैसेट थी जो कि सबसे ज्यादा बिकने वाली कैसेट बन चुकी थी उसकी आज तक की। पर वो जहाँ पर भी जाया करता था वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे जो कि उससे कहते थे कि यार वही वाले गाने सुना जिसके लिए तू फेमस है, यानी कि वही डबल मीनिंग वाले गाने। और चमकीला थोड़ा गरीब घर से आया करता था, इसलिए उसने ना करना कभी सीखा ही नहीं था, उसके लिए जनता का प्यार ही बहुत कुछ था, तो वो उनके कहने पर ऐसे गाने गा दिया करता था। अब जैसे जैसे चमकीला के पास फेम आ रहा था वैसे वैसे चमकीला की टेंशन और बढ़ रही थी, क्योंकि अब चमकीला को ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ रहा था जो कि देश के खिलाफ थे, यानी कि खालिस्तानी लोग। अब चमकीला चला जाता है बहरीन और अपनी बीवी के साथ थोड़ा बहुत एंजॉय करता है, वहाँ पर अपने शोज करता है। और अगला टूर उसका था कनाडा, पर वो अपने खास दोस्त टिक्की को अपने साथ नहीं ले जाता और यही बात टिक्की को बुरी लग जाती है। दरअसल चमकीला टिक्की को इसलिए साथ नहीं ले गया था क्योंकि उसको मालूम था कि टिक्की की नियत अब खराब हो चुकी है। खैर, अब चमकीला के कनाडा में भी शो होते हैं और वहाँ पर चमकीला का शो होता है जहाँ पर एक समय पर अमिताभ बच्चन का शो हुआ था और चमकीला अमिताभ बच्चन का काफी बड़ा फैन था।
खैर यहाँ पर भी चमकीला को धर्मगुरु समझाते हैं कि अश्लील गाना छोड़ दे। तो चमकीला कहता है कि मैंने अश्लील गाना पहले छोड़ दिया है, मैंने कसम खाने के बाद अश्लील गाना एक भी नहीं बनाया। अब वो तो लोग मुझसे डिमांड करते हैं उन्हीं गानों की, तो मैं क्या करूं बताओ। और अब बारी थी चमकीला की वापस इंडिया आने की, पर उसके दोस्त यार कहते हैं कि चमकीला तू इंडिया नहीं आएगा, क्योंकि अगर तू इंडिया आया तो वो लोग तेरे को मार देंगे। पर चमकीला को अब इतनी सारी धमकियां मिल चुकी थी कि चमकीला अब समझ चुका था कि कभी ना कभी उसको मरना है, तो डर डर के क्यों मरे, जो होगा सो देखी जाएगी। और चमकीला वापस से इंडिया आ जाता है और अब फिर से अखाड़े करना स्टार्ट कर देता है। और ऐसी हर रोज की तरह उसका आज भी अखाड़ा होता है और वो उस जगह पर पहुंचने ही वाला होता है जहां पर वो आज अपनी बीवी के साथ गाना गाएगा। पहले यहां पर चमकीला उतरता है और उसके बाद अमरजोत। वैसे यहां पर कुछ लोग आकर इन दोनों को ही मार देते हैं, साथ ही साथ इनके एक और साथी को मार देते हैं। तो ये थी चमकीला की पूरी कहानी। यही वाला सीन हमको मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था और अब हमको कहानी दिखाई जाएगी फिर से प्रेजेंट की, कि तभी यहाँ पर आते हैं अमरजोत के माता पिता, जो कि इतने नीच किस्म के इंसान थे। यहाँ पर उनकी बेटी और उसकी बेटी के पति की लाश टली हुई है, पर उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो जाते हैं सीधा अंदर वाले कमरे में और जितना भी पैसा था वो अपने पास रख लेते हैं। और थोड़ी देर बाद चमकीला और उसकी बीवी और उसके साथी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और हम लोग क्या देखते हैं कि वो DSP वो यहाँ पर थोड़ा दुखी होता है। दरअसल वो भी चमकीला के गाने सुना करता था पहले, और चमकीला की कहानी जानकर वो उससे और भी ज्यादा प्रभावित हो चुका था। और बस यही पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। अब आपको क्या लगता है कि चमकीला अपनी जगह पर सही था या फिर उसको वैसे वाले गाने नहीं गाना चाहिए थे? अब ये अश्लील गाने इतने भी अश्लील नहीं थे जो कि आजकल आ रहे हैं। चमकीला के गाने में बस थोड़ी बहुत डबल मीनिंग वाली बातें होती थी जो कि काफी लोगों को पसंद थी। खैर आपको इस मूवी से क्या सीखने को मिला कमेंट में जरूर बताना।